नमस्कार, बीएनएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं वीके मिश्रा और आप देख रहे हैं भदोही जिले की प्रमुख खबर। आरोग्य मेले का आयोजन चल रहा है, क्या उद्देश्य है शासन की तरफ से, क्या सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को? मुख्यमंत्री आरोग्य मेला जो लग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और हमारी सरकार की जो सोच है, क्योंकि पिछली सरकार में स्वास्थ्य के लेकर के इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, जिसमें उस आयुष्मान योजना के तहत आपने देखा कि गरीबों को, जो गरीब हमारा दवा के इलाज के तड़प से मर जाता था, दम घुट जाता था, आज उस गरीब परिवार को 5 लाख देने की योजना बनी। दूसरी चीज वही मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का मतलब है कि जागरूकता देना लोगों, जनता और समाज में ये विषय जाए जो नीचे पावदान तक अभी तक नहीं जाता था, आज उसको पहुंचाने के लिए हमारी सरकार पूरा एकदम काम कर रही है, निचले स्तर तक काम कर रही है कि जो प्राइवेटों में भागते थे, पहले प्राइवेट अस्पतालों में पैसे के अभाव से लोग परेशान रहते थे, कर्ज लेते थे, तमाम कर्ज में डूब जाते थे, उसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता था। जो एक पिछली सरकारों में अविश्वास था, डॉक्टरों के ऊपर भरोसा नहीं था और लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था, आज हमारे वो सरकारी डॉक्टरों के ऊपर भरोसा जगा है और उस भरोसे के साथ संख्या आप खुद देख रहे हैं कि संख्या बढ़ी है। गरीब कच्ची गांव और समाज में जाइए तो वहां भी दिखाई देता है, यहां लोग कहते हैं नहीं, सरकारी अस्पताल में दवाएं ठीक ठाक मिल रही है और दवाएं अच्छे बेहतर, हमारे डॉक्टर बैठे हैं, MBBS बैठे हैं, जो पहले सरकारों में हमारे जो सरकार आई सपा बसपा की सरकार, उसमें डॉक्टरों पर न भरोसा था, न सरकार की भरोसा डॉक्टरों पर था, न डॉक्टरों का भरोसा सरकार पर था। आज हमारे जो डॉक्टर हैं, जो इस प्रकार से आज दवा दे रहे हैं और अपना समय देकर, और स्वच्छता भी जिस तरीके से हमारे अस्पतालों में दिखाई दे रहा है, पहले तो माने स्वच्छ भी नहीं रहता था अस्पताल, आधा तो मरीज वैसे ही बीमार हो जाते थे। मेले में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आरोग्य मेले में हर तरीके के मर्ज के लिए दवाओं को उपलब्धता है और सेवाएं दी जा रही हैं, वगैरह है। हमारे दो चिकित्सक और सारे कर्मचारी हैं, सेवाएं दे रहे हैं। आज का उद्देश्य ये है कि अधिकतर अस्पतालों में रविवार के दिन इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर के बंद भी रहती है और ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सेवाएँ नहीं मिल पाती, उस लिहाज से माननीय मुख्यमंत्री ये व्यवस्था की है और हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं कि ताकि रविवार गरीब जनता पंडित राम आश्रय शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन ओपन है। दौनपुर कलनवा जंगीगंज में है यह स्कूल, तो जल्दी कीजिए अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए इस स्कूल में एडमिशन लीजिए।